एक राज्य हो, एक भाषा हो, एक कुल हो, एक मत हो, तभी राज्य स्थापन हुआ थे। जब राज्य स्थापन हुआ तो बिना कैसे हुआ? सूक्ष्म बुद्धि कह सकते हो, सूक्ष्म में बुद्धि में स्थापना हो रही है, बुद्धि में बिना से हो रहा है, बुद्धि समझने की बात है। कंसेप्टर में विनाश की घोषणा की थी तो कोई कंसेप्टर में विनाश थोड़ी हो गया दुनिया, दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है। ब्राह्मणों की दुनिया में जो पक्के ब्राह्मण थे बेसिक पार्टी उनका बेसिक पार्टी वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने लगे, अभी भी जा रहे हैं। ये जहीन वर्ग है बेसिक में, वो सारा खींचकर के घर आ रहा है। इसलिए तो बोला है जब बाप आते हैं तो दुनिया के बड़े बड़े मनुष्य, बड़े बड़े हौदेदार सब मूर्ख बन जाते हैं। जो आत्माएं कन्वर्ट होंगी और ड्रामा में वही जैसा कि विष्णु पार्टी करके जरूर जाएगी, दूसरों को पाप बनाई वहाँ भी लोग आ गया था, द्वापर कलयुग में कन्वर्ट हुए थे, यहाँ भी कन्वर्ट हो गए। पता है कि विष्णु तो कोई अलग से रूप नहीं हो, तो कॉम्बिनेशन है चार आत्माओं का, फिर भी वो लोग कैसे पार्टी बना के बैठ जाते हैं? ये तो आता है कि देखो अभी ब्रह्मा का पाठ रहा, शंकर का पाठ रहा, विष्णु को भी क्लियर नहीं हुआ तो विष्णु हम बन कर बैठे। लेकिन वो तो सत्युग में होगा ना, तो उनको वो बुद्धि में क्यों क्या होगा? विष्णु कोई सत्य की चीज है, इन देवता है संगम क्या है, प्रैक्टिकल जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो संगम में प्रत्यक्ष होगी या सत्य में प्रत्यक्ष होगी? ब्रह्मा के द्वारा सुनना सुनाना हुआ, शंकर के द्वारा समझना समझाना हुआ, तो प्रैक्टिकल कौन करेगा? प्रैक्टिकल करने वाले भी कोई होंगे, जरूर प्योरिटी वाले होंगे, जिनमें प्योरिटी की जन जन्मांतर की ज्यादा ताकत है वो प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। मतलब वही संगम युग का अंतिम समय होगा। हाँ जी, हाँ जी, उसके लिए मैंने ही बता दिया, एक रानी मक्खी निकलेगी उसके पीछे पीछे कार आ जाएगा। आप भी तो वही छोटे छोटे को ही ब्रह्मा कुमारी निकल पड़ती है, एडवांस पार्टी वो भी एडजस्ट नहीं हो पाती है। ऐसा भी टाइम आएगा कि ढेर की ढेर निकले, रेवोल्यूशन आएगा, रेवोल्यूशन आएगा, दोबारा समर्पण हो गया, दोबारा भी समर्पण समारोह मना देंगे, ऐसे नहीं समझना है कि पहला समर्पण समारोह। लेकिन रोल का पॉइंट सुने उनका ज्ञानी पार्टी कर उतना ध्यान ही नहीं जाता, इतना लंबा चढ़ जाता है कि यहाँ सरेंडर हुए हैं, अब आगे चल करके प्रैक्टिकल में भी भगवान मिलेगा जिसको सरेंडर करना पड़ेगा। सोचते भी घबरा जाते हैं, तो जाते कोई समझे बैठे सामने ही सारा पैसा वैसा और बहुत सारी चीजें जैसे दुनिया में होता है बैठे लिखा देते हैं, दहेज हो गया, समर्पण हो गया, लास्ट में पता चलेगा तब उनका हाल क्या होगा पता है? उनका हाल क्या होगा पता नहीं, क्या हद की दुनिया का सब देख के थोड़े से ये महल माड़िया कन्या देख के उसी में वो कुछ
हो गए हैं। अब लास्ट में पता चलेगा एडवांस नॉलेज का कुछ होने वाले हैं, वो भी तो कोई धर्म के होंगे ना, कोई धर्म से कनेक्टेड होंगे ना, उनके अंदर ऐसे ही संस्कार होंगे, वो कुछ होने वाले उनके संस्कार ऐसे होते हैं, वही चीज होती है संस्कार उस टाइप के होते हैं, उसी चीज की तरह एबिलिटी होती है, उसी चीज से चल रहे हैं। तो कीड़ा नाली में पड़ रहा है उसको नाली में से निकाल करके साफ सुथरी जगह में और फिर मिला के खराब खराब हो जाता है तो नहीं अच्छा लगता है। लोगों को लाभ दिखाने के लिए मैं बोलती हूँ बाबा का ये डिस्कशन क्लासेस में बहुत राज बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, इतना हंसी मजाक हो जाता है। नहीं हमको राज पहले मेरे को वो सब पढ़ने के लिए शौक रहता था, क्या बोलेंगे अब बाबा क्या बोलेंगे करके, लेकिन अभी कुछ नहीं, बस बाबा के हृदय के ऊपर राज करना है हमको। उन्होंने बाबा आप लोग को ब्रह्मा बाबा बोला दिया, ब्रह्मा बाबा ही उनका भगवान हो गया, तो बस वो ही मत है। अगर थोड़ा भी अगर उन लोगों को बोलूंगी फिर वो कुछ इंटरेस्ट दिखाएंगे तो बोलूंगी करके सोचती हूँ, लेकिन नहीं वो तुरंत दबा देते हैं, आगे नहीं बढ़ा नहीं देते। नहीं वो तो उनमें से जो बड़ी बड़ी इंचार्ज बहने हैं वो तो जाती है, लेकिन जो असिस्टेंट बहने उनको गुस्सा करते हैं, उनको दबा के रखेंगे, ऐसा हो जाएगा स्वामी भक्त बनते रहती है, समझते हैं यही हमारी प्राप्ति है, उसी में कोई जरूरत है। के अंदर जो 2 करोड़ आत्माएं जो होंगे इन्हीं लोग ही आएंगे ना, ये नंबर सात नारायण आठ सात नारायण और सात होती प्रजा वही तो ऊपर जो करते हैं और उनके साथ साथ उनकी प्रजा उतरती है, वो ही अभी ब्राह्मण दुनिया में इसीलिए बाबा जो कहते हैं कि जो इनके प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना रखो, क्यों नहीं तो फिर हमें तो अपनी दुनिया बनानी है ना, आखिर हमारी दुनिया में आएंगे जब आएंगे हमारी दुनिया में तो हम कैसे रखे, जैसे दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए थे वैसे इधर भी कन्वर्ट हो जाएंगे। बाबा एक बीके में आत्मा है, उसके 2 कन्या सेंटर में रहते हैं, हाँ बीके में, मैं उनको एडवांस पर सुनाया भाई को, उनको बहुत अच्छा लग रहा है एडवांस का ज्ञान, और उनको सूर्य का साक्षात्कार भी हुआ है, और वो क्या है ना बाबा अपने कन्याओं के कारण वो एडवांस में नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम एडवांस में चले गए तो हमारी कन्याओं के ऊपर अत्याचार होगा। हाँ बाबा और कन्या समझ नहीं रही है, हाँ कन्याओं की तरह बुद्धि में बैठा दिया गया जो बात ही नहीं करती, तो वहाँ पे अपन कैसे सेवा करेंगे बाबा, उस भाई को कैसे अपन एडवांस में लाएंगे, सुनाते रहो अच्छा लगता है सुनाते रहो ज्ञान को भी बल का आ जाता है, कोई पॉइंट ऐसा तीर लग जाएगा तो किसी की परवाह नहीं करेगा। अच्छा अच्छा अभी उनके बंधन जो बंधे हुए हैं वो जब टूटेंगे तब वो ज्ञान को पंत कृपाण को धारा उनके रस्सियाँ है कटा कटा भी निकाल दी जाती है, ऐसी ज्ञान की तलवार है धारदार तलवार होगी तो काम कर जाएगी, अपने में एक कमी है मतलब
सुनाते रहो, जो सुनता है उसको सुनाते रहो। हम बस वही बाबा, नहीं तो फिर आ रही है तो हमारी बात मानता ही नहीं, नहीं तो फिर क्या हो जाता है, फिर करने की जरूरत नहीं, कहना ही नहीं, कहना ही नहीं। जब बुद्धि में बात बैठ जाएगी तो एक सेकंड में रुकेगा ही नहीं, नित्या बुद्धि दौड़ेगा, हमको अपनी ले चलो, हम रुक नहीं सकते। मैं उनको ये भी बोला बाबा कि आपकी जो कन्याएं बीके में है उनको अपन एडवांस के लिए बात कर लेंगे, जो बीके में सेवा कर रहे हैं एडवांस में करेंगे। अच्छा जी, उनको सलाह दी है हमने, सलाह तो दी है, लेकिन जो बीके के आगे पड़ जाते हैं अच्छा अच्छा खाने पीने के, एडवांस का सादा भोजन तो समझ नहीं आता, एडवांस के जो साधारण मकान आते हैं, सादा रहन सहन है, उनको रात नहीं आता है, उनको वो कपड़े ही अच्छे नहीं लगते, संगीत साथी अच्छे नहीं लगते, यहाँ तो सारी गरीब कन्याएं समर्पण हो रही है, और वहाँ तो आलिशान महलों में रहने वाले आ रहे हैं, बाबा गरीब निवास गरीबों को उठा रहे हैं, और गुरु लोग रईसों को उठाते हैं, बेसिक में जितनी ब्रह्म कुमारी चाहते हैं उनकी शुरुआत में भी और अभी भी, और सब पैसे वाली है, उधर कम पैसे वालों को तो लेते ही नहीं, पहले ही कहते हैं लाख दो, कितने 50,000 दोगे, लाख दोगे 2,00,000 जरूर, कितने जरूर नहीं, फिर चार चार पाँच पाँच साल रगड़ते रहो। मतलब कब बाबा, जब बीके में जो सत्यवी सृष्टि की वो हुआ अच्छा था उस समय या उसके बाद? उस समय भी और अभी भी, और उसका फाउंडेशन फाउंडेशन डालने वाला कौन है? ब्रह्मा कुमारी बीके में नॉलेज में जो भी चल रहा है उसका फाउंडर कौन है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा लखपति का पति थे कि गरीब थे? लखपति आज के द्रौपदियों से भी ऊँचे ऊँचे, चार लाख समर्पण किया। तो फिर बाबा शिव बाबा ने उनके शरीर का आधार क्यों लिया बाबा? मतलब जैसे गरीब निवास है तो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन, भक्ति मार्ग का और ज्ञान मार्ग का सारे की शूटिंग कहाँ होती है? संगम में होती है। इसका हित कौन बनेगा? कोई न कोई आत्मा तो बनेगा। तुमने सुनाने का निमित्त कौन बना? हाँ, जिसे सुनोगा और सुनाया न समझा, न समझा, अगर समझा होता कि यज्ञ के आदि में जो यज्ञ पिता था वो यज्ञ से जाता ही नहीं, जाने ही नहीं देते, संघर्ष होता ही है। ये बोल रहा था बाबा, जैसे शिव बाबा गरीब निवास है तो ब्रह्मा बाबा के संग में जैसे प्रवेशता हुई उनकी, तो क्या वो जो उन्होंने बोला है कि शिव बाबा गरीब निवास है तो क्या वो कट नहीं होता है क्या? बड़ी अम्मा ही बन के आया कि क्यों बाबा बन के आया? बड़ी अम्मा मुरली जो लिखे हैं, बताए हैं, बताते हैं, लिखते हैं, वो तो बाबा ने ही लिखवाया होगा। मुरली जो बोली गई है वो मुरली सिर्फ तो बोली गई है या समझी भी गई है? बोली गई है, तो सुनना और सुनाने वाली चीज है वो, जैसे वेद बने द्वापर में, तो वेदों को वेदों की जो ऋचाएं हैं वो लोग आज पढ़ते हैं लेकिन उनको समझते नहीं है क्या, उनका अर्थ नहीं जानते, वेदों की ऋचाओं की फिर उनकी व्याख्या निकली, आरण्यक बने, उपनिषद बने, ब्राह्मण बने, ढेर सारे ग्रंथ बने हैं उनकी व्याख्या निकली, तो ये शूटिंग कहाँ होती है? वेद तो वेदवाणी है, ब्रह्मा के मुख से निकलती है, शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा के मुख से वेद वेद निकले, तो वेदवाणी तो आ गई लेकिन उसका अर्थ क्या है समझा नहीं गया, तो बेकार हो गया। तो अगर हम ये कहें कि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा ने प्रवेश करके रईसों को उठाया,
रईसों की कन्याओं को उठाया, संगठन रईसों का बन गया, लेकिन वो प्राप्ति करने वाली बनी क्या? उनको दूसरी वाईफाई मिलनी है क्या? नहीं, तो फिर बात तो गलत हो गई। गरीबों को उठाता हूँ, रईसों को उठाया तो उनको रईसों को प्राप्ति मिल गई, काम निकाल लिया। बाबा ने तो कहा है कि जो भी होता है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मतलब जो काम उनसे निकालना है निकाल लिए, निकाले क्योंकि भी जो पार्ट बजाया है कल्याण का ही तो है, लेकिन उनके लिए कल्याणकारी। हाँ हाँ, उनके स्वयं के लिए नहीं, कल्याणकारी नहीं हुआ। अब ये जो अभी जो अभी भी जो चलता है मेघा जो प्रोग्राम प्रोग्राम जो चलता है, ये भी तो यज्ञ के लिए कुछ ना कुछ कल्याणकारी तो होगा कि तो बाप की प्रत्यक्षता ज्यादा है या देहधारी की प्रत्यक्षता ज्यादा है? हाँ वो तो उसमें तो कोई निकलता भी, जो मेघा प्रोग्राम होता है उसमें सब सफेद कपड़ों वाले जाके बैठ जाते हैं या पब्लिक आदमी जाके बैठता है? दिखावा हो गया सर। मतलब मेरा मंथन चलता है, हो सकता है कि लास्ट में जो बाबा का प्रत्यक्षता होगा तो उसमें जो आम पब्लिक ब्रह्मा कुमारी क्या चीज है वो तो इस मेगा प्रोग्राम में जान जाता नहीं, पर कोई भी आज कोई भी तो अभी भी नहीं जानता, पर इस मेगा प्रोग्राम में जानता होगा ब्रह्मा कुमारी कोई चीज है, तो बाबा जो अंत में प्रत्यक्षता होगा तब उनको ये लगेगा, ये मेरे ख्याल से शुभ कुछ हो ऐसा कुछ ये है क्या? मतलब बाबा का जो अंतिम समय पूरा विश्व को पता चलना चाहिए कि बाप आया हुआ है, तो उसके लिए जो आम पब्लिक को जो ब्रह्मा कुमारी कुछ है, ब्रह्मा कुमारी का वो कुछ है क्या बाबा उसके लिए? ये कहना चाहते हैं कि मेगा प्रोग्राम से क्या प्रत्यक्षता में अंत में हेल्प मिलेगी क्या? प्रतिष्ठा में हेल्प नहीं मिलेगी, प्रतिष्ठा ज्ञान और योग के आधार पे होती है, पब्लिक के आधार पे नहीं होती। बाप के बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे या दुनिया के बड़े बड़े लोग प्रत्यक्ष करेंगे? बच्चे करेंगे, बाप के बच्चे तो ज्ञानी और योगी होंगे। यही बाप है, यही बाप है, हाँ बाप है, तो बाप समझेंगे तो कैसे बोलेंगे? मेरा प्रोग्राम में वो समझने वाले कोई समझते हैं क्या बाप? नहीं नहीं, वो तो कोई बनते भी नहीं है, करने वाले कोई नहीं समझे, कोई बनते ही नहीं। और मेरा प्रोग्राम करने वाले को मुरली को तो ध्यान ही नहीं देते, तो बेदारी उनका तो चल रहे। मुरली क्या कहती है, मुरली में क्या बोला गया है, अद्वैतवाणी क्या बोल रही है, वो पॉइंट तो आते ही नहीं है, करते नहीं। और उन लोग खुद बाप को जानते ही नहीं है बाबा। हाँ जी, जानेंगे आप कैसे प्रत्यक्ष करेंगे, है ना, कर नहीं पाएंगे, इसलिए मेरा कहने का मतलब है। बोला कि मैं जो चाहता था वो मैं नहीं कर सकता, ये अहंकार था, मैं बाप को प्रत्यक्ष करूँगा, ढेर सारी किताबें करने के बाद आप लोग पता लग जाते हैं क्या है। आप रियलिटी जानने से कोई फायदा नहीं, रियलिटी जानेंगे भी तो भी अपने दुख वाली आप लोग प्रवेश कर सकेंगे, ऐसे जगदीश भाई के अंदर में प्रवेश कर जाए, पार्वती में प्रवेश कर जाए, ये तो हो ही नहीं। कुमार का दादी है 12-13 दिन ब्रह्मा बाबा ने अपने साथ रखा, तुच्छ मतन जवाब अपने दुख कर देगा तो क्या जन्म लेंगे, साक्षात्कार में दिखाते हैं संदेश में कि मम्मा बाबा ने नेपाल में जन्म ले लिया, क्या जन्म ले लिया था, तो बेहतरी बात है। नेपाल में नहीं पालने वाले हैं, नहीं पालने वाले संगठन में मतलब प्रवेश किया जाएगा।
फॉलो फादर प्रजापिता को फॉलो करना पड़ेगा धारणा में किस फादर को फॉलो धारणा जो है वो धर्मराज की धारणा होती है या किसी और की धारणा होती है धर्मराज किसको बनाया जाता है धारणा वाले को बनाया जाता है या किसी और को बनाया जाता है धर्मराज कौन है धर्म का राजा धारणा करने वालों में राजा बाबू कौन है ये बोला डायरेक्शन में मेरे को फॉलो करना है और कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है बुद्धि से खींच तो सकते हैं कि ब्रह्मा ने कैसे कर्म किए तो ऊपर है ना ब्रह्मा को फॉलो करना है लेकिन एडवांस का ऊपर अभी ब्रह्मा नहीं है अगर ब्रह्मा नहीं है तो ये पालना कैसे हो रही है एडवांस बंदर पालना करेंगे आधा नारी कर चित्र दिखाते हैं उसमें आधा पुरुष और आधा स्त्री का रूप दिखाते हैं वो आधा स्त्री का रूप का पार्ट कौन बजाता है ब्रह्मा की डोली ही बजाती है सीढ़ी में ये जगदम्बा का रूप नहीं भारत माता का रूप आदनारेश्वर में भारत माता का रूप सूर्यवंशी देवताओं का रूप बताया जगदम्बा सारे जगत की अम्बा है और भारत माता सिर्फ भारत की है भारत के और जगत के जो नियम और चूल है उनके आधार पर उनको जगदम्बा और उनको भारत माता कहा गया आत्मा से एक ही आत्मा नहीं है अलग अलग है भारत माता के शक्ति अवतार अंत का यही नारा है और जगदम्बा का पाठ बीच में है या अंत में नहीं है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का ये नारा है मैंने वैष्णवी शक्ति जो है वो ही भारत माता है परिवर्तन शक्ति कहा जाता है परिवर्तन शक्ति प्योरिटी में होती है प्योरिटी नहीं है तो परिवर्तन नहीं हो सकता जगदम्बा आसुर संघारणी है आसुरी शक्ति का संघार करने वाली है बाकी पुरानी शक्ति को दुर्गुणीमयी दुर्गुणमयी शक्ति को दैवी शक्ति बनाने वाली नहीं है कोई एक आत्मा की बात थोड़ी अर्धनारीश्वर या विष्णु अर्धनारीश्वर जब कहा जाता है तो एक में दो का प्रवेश है एक राम वाली आत्मा और एक ब्रह्मा वाली आत्मा दोनों ही आत्माएं मिलकर के काम करती है उसको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा माँ बाप दोनों हैं इसलिए तुम अपन कुल को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्रह्मा कुमारी नहीं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमार तो दोनों मौजूद हैं या नहीं है एक में ही दोनों हैं शरीर एक है और आत्माएं दो है काम करने वाली एक है या दो आत्माएं दो आत्माएं हैं समूर्ति में एक को चित्त रूप में बैठा हुआ दिखाया गया है और एक को लीनेंसी में बैठा हुआ दिखाया गया है ये दोनों माँ बाप हैं तीसरा आत्मा भी है तीसरा आत्मा भी है वो तो कॉम्बिनेशन है ना वही कॉम्बिनेशन वही अर्धनारी सर एडवांस में छोटे छोटे
बच्चे नहीं है, बेबी बच्चे नहीं है क्या? बेबी बच्चे एडवांस में भी है, उन छोटे बच्चों की पालना कौन करेगा? बाप करेगा? माँ ही करता। अभी मुस्लिम में आया सब्जी रहता है, रात नहीं दिन ही होता है, एक मुस्लिम में आया ये चंद्रमा तो आधा अस्तपयत होता है रहता के अंत में, वो पृथ्वी से अलग हो गया, चंद्रमा नहीं होगा क्या? पृथ्वी का वो बड़ा भाग जो अभी प्रशांत महासागर कहलाता है और जिसकी गहराई का लोगों को पता ही नहीं चला कितना गहरा है, जब अर्ध विनाश होता है तो वो सारा हिस्सा टूट करके अलग छिटक जाता है, वही चंद्रमा कहा जाता है। प्रशांत महासागर में पृथ्वी के नीचे लोग, हाँ जी प्रशांत महासागर सबसे बड़ा सागर है पृथ्वी, हाँ जी पैसिफिक महासागर, वही हिस्सा टूट करके चंद्रमा बना, अभी फिर डामाडोल होगा, पूरा ही विनाश होगा, तो इतना आकर्षण बढ़ेगा नौ ग्रहों में कि वो चंद्रमा फिर आकर के जुड़ जाएगा। अब पृथ्वी अपनी दूरी बदल देगी, द्वापर की शुरुआत में भी दूरी बदल गई थी, बैलेंस टूटा और दूरी झुक गई, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में छह छह महीने के दिन और छह छह महीने के रात होने लगे, इससे पहले का रात नहीं होता, रात नहीं होती थी तो वहाँ तो ज्ञान दिन ही दिन है कि वहाँ अज्ञान भी होता है, ये बताए तो आधा कल्प तक ज्ञान की प्रारब्ध में ही रहते हैं, अंधेरा होने का सवाल ही नहीं, जी तो घूमते रहते हैं ना सूरज और दिन और रात तो आज होते रहते हैं ना है? पृथ्वी सोने और नॉर्थ पोल पर नॉर्थ पोल पर लगातार छह महीने दिन कैसे हो जाता है? वहाँ पे तो सूरज घूम रहा है, वहाँ नहीं घूम रहा है सूरज, पृथ्वी की धुरी ऐसी चेंज हो जाएगी जिससे भारतवर्ष में 2500 साल तक दिन ही दिन भारतीय होगा, अभी तो दूसरे दूसरे देश भी है ना, तो आधे देशों में रात हो जाती है आधे देशों में दिन हो जाता है, एक ही प्रकाश देने वाला होगा क्या? हाँ ऐसे नहीं आज के गुरुओं की तरह कि शास्त्रों से ज्ञान की रोशनी लेकर के दूसरों को देते रहे और खुद भगवान बनकर के बैठ जाए ढेर के ढेर, हाँ। 100 वर्ष में दुनिया और भी नरक बन जाती है, 100 वर्ष में दुनिया और भी नरक बन जाती है, ज्यादा तेजी से पतन होता है, तो माया का पंप एंड शो भी तेजी से बढ़ता है और मेंटलिटी में भी तेजी से गिराव परिवर्तन आता है, गिरावट आती है, अभी आगे आने वाले समय में और तेजी से गिरावट आएगी, इतनी गिरावट आएगी जो देखा भी नहीं जाएगा, फिर भी थोड़ा आश्चर्य लगता है कि बाबा बंदरों की दुनिया कैसे कहते हैं, अभी प्रैक्टिकल में पूरा ही बंदरों की दुनिया देख नजर आएगी, नहीं हुआ अभी, अभी थोड़ा कतर है तो बिना 2036 तक खींचेगा, एक तरफ राम राज्य स्थापन होगा
और एक तरफ घोर रावण राज्य दिखाई देगा। तो कहते हैं संगम। नरक की भी हाय हाय नजर आएगी, स्वर्ग का भी वाह वाह नजर आएगी। संगम में ही कृष्ण का प्रत्यक्षता होने वाला, सत्य ही कृष्ण तो छत्तीस में जन्म लेने वाला है। सत्य में जो कृष्ण वाली आत्मा जन्म लेगी उसकी 100 साल आयु कब पूरी हुई ब्रह्मा के रूप में? 87 में पूरी हुई है, तो 87 में वो 50 वर्ष ऐड कर दो जो मुरली में बोले हैं, कोई के 50 वर्ष भी कम हो जाएंगे, तो 87 में 50 वर्ष जोड़े, ब्रह्मा की 100 वर्ष आयु मृत्यु लोक में खलास होती है। मृत्यु लोक में ब्रह्मा खलास होता है, तो मृत्यु लोक के बाद फिर कौन सा लोक होना चाहिए? अमर लोक हो गया, परंतु वो था गर्भकाल है? है? सत्य भी कृष्ण सत्य में होगा, संगम भी कृष्ण संगम में होगा। संगम का गायन है शास्त्रों में, संगम भी कृष्ण के साथ कंसी जरासिंधी दिखाए गए हैं, शिशुपाल वगैरह विरोध करने वाले, तो क्या सत्य में होंगे? तो संगम की बात है, संगम की कृष्ण की तिथि तारीख दिखाते हैं, कब जन्म हुआ, कौन से नक्षत्र में हुआ, कौन सा दिन था, तो भावी बताते हैं संबत 111 शुरू होगा, संबत 111 के बाद शुरू होगा। 2018 वहाँ कोई काउंट करेगा क्या? नहीं, वहाँ कोई हिस्ट्री नहीं रहेगी, हिस्ट्री की तबारीखें होती हैं। 2018 जो बोला गया वो संगम कृष्ण के बारे में बोला गया, संगम कृष्ण के बारे में बोला गया। 2018 और दोनों का कार्नेशन होना चाहिए, वो ही एक 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 कमल आता रहा। बाबा अभी विजय मन आत्मा आने वाले है ना? अभी तो वो कैसे पुरुषार्थ बाप से ले रहेगा? वो विजयमाला आत्मा है ना, विजयमाला आएगी तो वो विजयमाला किस बात में विजयी है? प्योरिटी में विजयी है, और रुद्रमाला किस बात में विजयी है और किस बात में अंधी है? पवित्रता की अलंगड़ी है, पवित्रता नहीं है। क्यों रुद्रमाला में पवित्रता क्यों नहीं है? की हाँ, ये पुरुषों की माला है क्या? पुरुष जितने भी हो सब सब दुर्योधन के साथ भले स्त्री क्यों ले हैं? तो सासर बाप से कैसे जन्म जन्मांतर के राजा है ना, विजयमान आत्मा है ना, साकर बाप से कैसे पुरुषार्थ ले ना ज्ञान ले लेंगे, ज्ञान ले लेंगे साकर बाप से। हाँ, विजयमान आत्मा कैसे पुरुषार्थ ले लेंगे? क्यों अभी शंकर का पाठ तो थोड़ी दिनों में होना 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 शंकर का पाठ तो पूरा हो जाता है। हाँ,
ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक अनुदा हुआ है, बोला है कि नहीं? जब ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक अनुदा हुआ है तो स्थापना के बाद फिर विनाश नहीं होना है? विनाश के निमित्त के बगैर विनाश हो जाएगा क्या? सक्रिय पार्ट है वो देखने में नहीं आएगा। ब्रह्मा का जैसे सक्रिय पार्ट था सनातन तक, वो सक्रिय पार्ट बाद में देखने में माँ के रूप में नहीं आ रहा है। ऐसे विष्णु का पार्ट देखने में नहीं आया, ना अर्थक तक देखने में आया ना अभी देखने में आ रहा है, लेकिन अंत में वैसे भी देवी का पार्ट देखने में आएगा। पहले ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना। बाकी ये नहीं है कि तीनों देवताओं का कार्य खत्म हो गया, मर्ज और इमर्ज होते रहते हैं। भास्विता के संस्कार स्वभाव एक हो जाते सब, पृथ्वी और चंद्रमा एक जुड़ जाता है क्या? चंद्रमा तो बच्चा है पृथ्वी का, बच्चा जो है कृष्ण बच्चा हो गया। चंद्रमा का पार्ट जो है वो बच्चे का है और पृथ्वी का पार्ट माता का है, और आकाश का पार्ट सूर्य का पार्ट पिता का है। वो माता, वो पिता, वो बच्चा, तो परिवार हो गया है। बच्चे भी माँ में प्रवेश करते हैं, इनको नई बात है कि आत्मा माँ के पेट में प्रवेश नहीं करती है क्या? सर उसका भी स्कूल जन्म भी 36 में हुआ, 18 में होगा, 18 में क्यों होगा? संगम भी कृष्ण का जन्म संगम में होगा और सती भी कृष्ण का जन्म सती में होगा। सती में कृष्ण बच्चा पैदा होगा ये बात किसने बताई? ये हिस्ट्री किसने बताई? सती को त्रेता जी कौन नहीं बताई? सती को त्रेता की हिस्ट्री किसी ने बताई? बाप ने बताई। तो फिर जो हिस्ट्री किसी को मालूम ही नहीं है वो हिस्ट्री बाप आकर के बताते हैं। सती को त्रेता उसके कोई हिस्ट्री नहीं होगी। जो संपत एक 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 बताया गया हिस्ट्री की बात हो गई या हिस्ट्री से परे की बात है? हिस्ट्री की बात बनेगी भविष्य की। हिस्ट्री का शास्त्रों में गायन होगा लॉर्ड कृष्ण, अंग्रेज लोग मानेंगे पैराडाइज, मुसलमान मानेंगे जन्नत, अगर जन्नत को और पैराडाइज को समझा ही नहीं है, अनुभव ही नहीं किया है तो ये शास्त्रों में कहां से आ गए? चाहे कुरान हो चाहे बाइबल हो, इनका जिक्र कहां से आ गया? अठारह से लेकर के 36 तक का जो पीरियड है वो 18 साल में नरक भी देखेंगे, रौरव नरक और स्वर्ग भी देखेंगे। नींद नहीं आएगी? इतना समय है ना, अभी आराम से सो ले। नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, समय पड़ा है पहले मैं जाने 2009 तक कैसे समझ लिया, बाद में और एक्सटेंशन हो गया 9 साल हो गया तो राहत मिल गई ना? नहीं राहत भी दिन हो गया, राहत 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 राहत।
और टाइम मिलेगा कुछ साल के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा पुशअप करने के लिए 2009 से ज्यादा टाइम चाहिए हमें भाग दौड़ मची जाएगी लोग बढ़ गए अभी दो चार महीने के अंदर भर्ती करके आए वो कौन कौन तीन चार पाँच सात लोग बेसिक से आए या डायरेक्ट आए बेसिक से आए बेसिक से एडवांस में आने के बाद रेगुलर क्लास हो रहा है या मिस हो रहा है जब ऊंची चाड़ी चढ़ते हैं ना पहाड़ पे जब ऊंची चोटी पे चढ़ते हैं तो डोरी जरूर पकड़ते हैं क्या अगर डोरी नहीं पकड़ी तो गए काम से डोरी मतलब डोरी माने यही ज्ञान की डोरी रोज क्लास करना बहुत जरूरी है रोज क्लास न किया तो माया कभी भी धराशायी कर सकती गाँव में प्रबंध कर दिया है टीवी का सुनाता हूँ ज्ञान आधा आधा है आधा नहीं तो गांव से आए हैं इसकी आँख बनवाने के लिए कल जी तो रात में फोन आया माता जी का तो बोले कि हम भी चलेंगे क्या होगी चलेंगे दोनों में हुआ कि आप भी आ गए भाई भी आ गया चलिए बाबा नाम जन्म नहीं आता तो राम का जन्म नहीं हुआ है झूठ बात बोलते तो ब्रह्मा कुमारियाँ जो है वो राम को मानती है राम नहीं तो दुनिया भी नहीं राम तो ही साम्राज्य स्थापन करेगा ना ब्रह्मा गांधी जी के फॉलोअर कहते हैं हम कांग्रेसी हैं हम गांधी जी के फॉलोअर हैं हमने साम्राज्य स्थापन करना है राम नहीं साम्राज्य स्थापन करता है भले नाम राम राज्य है राम सेतु वार्डी के बारे में बोलते बोलते वो वार्डी को हटाने के लिए कुछ लोग सोच रहे हैं परंतु करुणानंद जी कहते हैं और राम भी नहीं कुछ नहीं वो वार्डी को हटा दो बोल रहे हैं राम सेतु वो कांग्रेस वाला ना हटाने के लिए सोच रहे हैं बीजेपी वाला मना कर रहे हैं अच्छा तो बीजेपी वाले माने भारतीय जनता पार्टी तो जानने वाली है राम को भी और राम राज्य को भी और रावण राज्य को भी जानने वाली है जनता पार्टी है एडवांस पार्टी क्या और कांग्रेस पार्टी है जिसका राज्य चल रहा है अभी भ्रष्टाचारी राज्य वो बेसिक में बैठे हुए वो चाहते हैं राम सेतु बना रहे यहाँ से लेकर के सारे ज्ञान रतन वहाँ रावण राज्य तक पहुँच रहे हैं VCD में DVD में कैसेटों में
तो चाहते हैं कि वो सारा ज्ञान इधर आता रहे। वो लोग तो उनका तो सोचना ही होगा कि ये सेतु टूट जाए तो कट्टा कट जाए। वो सोचता है वो जहाज चलने के लिए और रास्ता नजदीक है, है? वो हटना चाहिए परंतु अपना अपना स्वार्थ के लिए वो तो भक्ति मार्ग की निशानी दिखाई गई है। वो सेतु थोड़ा ही बना था, ये तो पत्थरों का पुल है, चैतन्य पत्थरों का, पत्थर बुद्धियों का पुल है। उन पत्थर बुद्धियों को दो बंदरों ने तैराया था, नल और नील, दो पत्थर, वो दो बंदर कौन है? राम और कृष्ण। राम और कृष्ण के हाथों से वो पत्थर तैराए गए, से पुल बन गया। इधर की बात उधर जाने लगी, उधर की बातें सारी इधर आने लगी। तो इधर वाले चाहते हैं कि पुल टूट जाए या उधर वाले चाहते हैं पुल टूट जाए? उधर वाले चाहते हैं, वो राम के विरोधी। और यहाँ तो न राम के विरोधी है न कृष्ण के विरोधी,